रास्ते में गाड़ी क्यों खड़ी कर दी? हटाओ चल, हटाओ चल। सबकी वजह यही है, जिंदगी में हम एक बार प्यार करते हैं, प्यार के लिए जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं, उस प्यार के लिए हजार तकलीफ झेलते हैं। अपने प्यार के साथ जिंदगी बिताना वो एक अलग ही फील है, पर मैंने जो चाहा वो मुझे नहीं मिला, उसकी वजह यही था। बाय। क्या बाय? अरे वॉचमैन, गाड़ी पार्क कर दो। जी साहब। आओ बेटा, पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हो या गाना गा के लड़की पटाने के लिए जाते हो तुम? What are you doing all this? हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो? तूने बताया होगा ना? नहीं भैया। रुक, रुक, ध्यान रखना। रुक, किसी को लाके मेरे सामने ये मत कह देना कि ये मेरी बहू है। शालिनी, इसको मजाक मत समझो। You got to be careful with him. He is not a kid anymore. हाँ, तो क्या करें? सब लोग आ गए ना? आज मैं आप लोगों को एक खास बात बताऊंगा। आओ बैठो। हाँ? हमारा माइक है ना, आज हम लोगों को पार्टी दे रहा है। मजा आ जाएगा यार। हाँ? पहले ये हम सबको फिल्म दिखाएगा, उसके बाद हम सबको हमारे घर पर ड्रॉप करके वापस यहीं आ जाएगा। क्यों माइक, सही कहा ना? ओहो, प्यार याद आ रहा है। क्या कर रहा है? कोई और आ गया। हमेशा यहीं बैठता हूँ। अभी पीछे जा कहाँ ना?
अरे इस समय 6 बज रहे हैं, फिल्म के लिए हम लोग टाइम पर पहुंचेंगे कि नहीं? अबे मैंने तुम लोगों को सही टाइम पर बुलाया था ना, टेंशन मत लो, सही टाइम पर पहुंचा दूंगा। फिल्म तो यही मिल रही है देखने को। अरे क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सब्र करना, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, कहीं भी शुरू हो जाता है। मुझे भी चाहिए। माइक क्या कर रही हो? सब लोग हमें ही घूर रहे हैं। ये लो सब, तुम्हें खा जाना, खाओ। इससे शादी जो की है। यही रुक, मैं जाती हूँ। ओके बाय। आओ ना। डेली मिठाई खाओगे तो बीमार हो जाओगे, आज दूध पीकर ही सो जाना। पशुपति कौन है आप लोगों को पता है क्या? नो सर। लाइट्स ऑफ। प्रेम प्रकाश, जय प्रकाश, सदाशिवम, ये तीनों लोग पशुपति के आदमी हैं। इन्होंने 15 सालों में 12 रेप किए हैं। अपने किए हुए गुनाहों की सजा अब इनको मिल रही है। 1 साल तक वो मेंटल हॉस्पिटल में था। यह एक साइकेटिक सैडिस फास्टर्स, ये कब कब कैसे कैसे रिएक्ट करता है वो उसके साथ वालों को भी पता नहीं है। पर एक जरूरी बात, पशुपति के साथ जो 3 लोग हैं उन पे आज तक कोई केस नहीं है। शेर का जिगर रख के चला जाता है, ये किसी के भी एरिया में डरता नहीं है, ये कैसा भी हो हाल अधूरा छोड़ता नहीं कभी भी अपना काम, राज खुले तक पीछा ये करता है, राज खुले तो सामने आ जाता है। मैं हूँ भा, हाँ मैं हूँ भा,
हाँ मैं हूँ, मैं तो ऐसे ही काम चला लूँ, मैं डरा डरा के पैसे निकालूँ, मैं सब डर से मेरे खुद ही चले आते हैं, जितना कहूँ उतना पैसे चढ़ाते हैं, किसके जो तो फिर मैं समझता हूँ, उसकी औकात मैं उसको बताता हूँ, उसके लिए यमराज मैं बन जाता हूँ, इस दुनिया से मैं आजादी दिलाता हूँ, मुझसे हर किसी को डरना जरूरी है, मुझसे हर किसी को डरना जरूरी है, मेरी वाली चलेगी, मेरी वाली चलेगी, हर जगह मेरी चलेगी, हाँ 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 मेरी हर जगह चलेगी चलेगी। हाथ पैर तोड़ देना, मार डालना, झूठ बोल के लोगों को बुलवाना और उनसे सच उगलवा के उन्हें मार देना, जो भी मेरे रास्ते का रोड़ा बनता है उसे मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। देख, तेरे सामने तेरा बाप खड़ा है। मैं अब किसी की परवाह नहीं करता, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, किसी पे भरोसा नहीं करता। काम खत्म तो समझो आदमी खत्म। जिंदगी का यही वसूल है। लाइट्स ऑन। इसने जो पहला खून किया था और उसके बाद जो 21 खून किए हैं उनका आज तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इनफैक्ट बॉडी तक नहीं मिली। पर एक जरूरी बात है, इसे बचाने वाला मिनिस्टर सिद्धराम है। सो अब मैं 6 महीने में रिटायर हो जाऊंगा और इन 6 महीने में मुझे इस केस को क्लोज करना होगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि सोसाइटी के भलाई के लिए मुझे सेल्फ सर्टिफिकेशन भी करना होगा। बॉयज, द सेल रिमाइंड अंडर कवर्स। थैंक यू सर। हेलो। देखो, हम कमिटेड होने से पहले मुझे तुमसे बात करना बहुत ही जरूरी है। चलो फोन रखता हूँ, बाय। हाँ सोमन, हम दोनों बाहर चलते हैं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ओके, अब भी आओगे? इट्स ऑलरेडी 8। वो सब मैं नहीं जानता, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, तुम बस रेडी रहना, मैं आ रहा हूँ। चल भाई, मैं चलता हूँ, मुझे आने में लेट होगा। मुझे भी लेके चलो ना भाई। ठीक है, तू यहीं रुक, बाय। सौम्या, बताओ ना क्या खाओगी? एक्चुअली मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैंने तो आज 7:30 पर ही डिनर कर लिया था, मैं तो बस तुम्हारे साथ आई हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या? यहीं पे? क्या कहा? कार में ही। फिर? I wanna go for long drive. Long drive पे? Superb. चलो चलते हैं। चलो अब बताओ। तुम बोलो ना। मैंने बोला ना कुछ कहो। तुम्हें देखते ही मेरी बोलती बंद हो गई। तो मैं बात करूं क्या? कहाँ से लाया इसे? तो बहुत अच्छी है। भाई, ये तो बहुत जल्दी में है। माजरा क्या है? कोई जल्दी नहीं है, तू यहाँ से निकल, हम सब इस लड़की को संभाल लेंगे। रुको, वहाँ देख, हीरोइन उसका हाथ पकड़ रही है। क्या लग रही है यार? भाई ये ऐसे क्यों देख रहा है भाई? क्यों रे? तेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ? अब बस बहुत हुआ। मैं छोड़ो, मैं चलो। क्या करेगा? क्या कर रहे हो? हाँ आ रहे हैं भाई। भाई यार निकल निकल, वापस आओ। चलो यहाँ से। हीरो बन रहा है। ए, क्या हुआ रे? अरे कुछ नहीं भाई, एक लड़की को छेड़ रहे थे, फिगर भी अच्छा था, ट्राई कर रहे थे भाई। लवर थे भाई, इसीलिए भड़क रहा था। ए, बॉटल देना। लाला भाई, ये लो। नहीं तो ये पूरी कहानी यहीं सुनाएगा। सॉरी सौम्या, मुझे इतनी रात को तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। इट्स नॉट योर फॉल्ट माइक, मैंने ही तो लॉन्ग वॉक के लिए कहा था ना, मेरी ही गलती है। नहीं नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, बल्कि जो हुआ वो उन मवालियों की वजह से।
सौम्या, अब तुम्हें क्या हो गया? इतनी बुरी गालियां क्यों दे रही हो? पहले काम करो, जाकर सो जाओ, जिससे तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। सौम्या, गाली देना तुम थोड़ा सा कम कर दो। क्या हुआ? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है मुझे बता, मैं एक चुटकी में सॉल्व। बस भी कर अभी। बाउंग, उसका हाथ पकड़ के मरोड़ के तोड़ डालूंगा और उसे मार डालूंगा। मैं गुंडे की बात कर रहा हूँ यार। देख, ये तो चला गया था, ये वापस यहाँ क्यों आया है? क्या पता, देखते हैं। अबे ये तो इधर ही आ रहा है। अठारह सालों में 11 खून किए, लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा। आज इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, पर इसे नहीं मालूम कि ये किससे पंगा ले रहा है। अब ये मेरे हाथों से ही मरेगा। वो गुंडे सौम्या को छेड़ रहे थे, अब लड़कियों के सामने तो मार नहीं सकता ना, इसलिए सोचा कि तुझे साथ ले चलूं। वो तो ठीक है यार, लेकिन 5 मिनट में तूने उन लोगों को धो डाला। तो क्या हुआ, पिताजी ने मुझे बचपन में बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन करवाई थी, उस वक्त तो कुछ नहीं, लेकिन उसका आज फायदा हो रहा है। अच्छा, तू मुझे क्यों लेकर आया? कुछ हो जाता तो हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई तो चाहिए ना। तो मुझे फाइट करने के लिए नहीं लाया था? नहीं बे, बेवकूफ कहीं का। आए। सौम्या, 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 पापा बुला रहे हैं ना तुम्हें। सौम्या, पापा, जब देखो तब मोबाइल में व्हाट्सएप पे लगी रहती हो। पापा बुला रहे हैं, देखो तो क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ डैड? सौम्या, इस फॉर्म में एक जगह तुम्हें साइन करना है, कर दो। ये क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट पेपर है, एडमिशन कंफर्मेशन का, स्टूडेंट्स के लिए आता है। कुछ नहीं, बस ये एक फॉर्मेलिटी है, इसलिए साइन कर दो इस पे। क्या, समझी नहीं डैड। देखो सौम्या, तुम वहाँ सीतारमन अंकल के घर में रह रही हो ना, एंड यू नो हिज सन लक्ष्मीपति, अच्छा लड़का है, ही इज वर्किंग फॉर डिलाइट, अच्छा कमाता है। इट्स माई लाइफ, मुझसे भी एक बार पूछ लीजिए कि मेरा ओपिनियन क्या है। तू ही बता, क्यों पूछूं? आज तक लाइफ में तुझे जो जो चाहिए था वो सब हमने दिया ना तुझे, तो पूछने की क्या जरूरत? आप गलत सोच रहे हैं, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, so I should get to decide this. सौम्या, ये क्या बोल रही हो, तुमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है? हाँ माँ, लव किया है, माइकल है उसका नाम, और वो सौम्या। माइकल, हे भगवान, माइकल हो या डेविड हो, लेकिन उसे हमारे सामने लाओगी तो हम दोनों अगले 4 दिन में नीदरलैंड्स जा रही है। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। क्या हुआ सिस्टर? सबके मॉम डैड यही करते हैं, कुछ भी करो तो बस धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। माँ बाप कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं करते हैं, वो बस तुमको समझा रहे हैं कि तुम कुछ गलत ना करो। मैं भी स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरी टीचर भी मुझे बहुत डांटती रहती है, तो क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूँ? क्या सिस्टर, उनकी बातों को थोड़ा समझ भी लो। ओए। हेलो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। थोड़ा जोर से बात करोगे? रो रही हो क्या? क्या हुआ बोलो? मेरे डैड मुझे नीदरलैंड भेज रहे हैं, और वहाँ अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। ऐसा क्या, कब भेज रहे हैं? बस 4 दिनों में। क्या कहा, 4 दिनों में? हाँ, तुम कुछ करो ना। ठीक है, तुम डरना मत, मैं संभाल लूंगा। तुम एयरपोर्ट निकल जाओ। एयरपोर्ट?
मैंने कहा ना मैं संभालूंगा, भरोसा रखो। ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय। बाय। सौम्या, उस घर में तुम्हें अच्छे से रहना होगा। सब सामान तो रख लिया है ना? मैंने सब रख दिया है। क्या सौम्या, अपने पापा से अभी भी गुस्सा? नहीं डैड, पापा जो कह रहे हैं तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, बुरा मत मानना बेटा। ठीक है माँ। वहाँ सीताराम मामा तुम्हें पिकअप कर लेंगे, पहुँचते ही फोन करना बेटा। ओके? ठीक है माँ, बोर्डिंग का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। सौम्या, तुम्हारा पासपोर्ट। ओके। सौम्या अपना ख्याल रखना बेटा। हेलो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स चले गए हो तो तुम बाहर आ जाओ, या फिर मुझे अंदर आना पड़ेगा। वो तो चले गए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ। ये पकड़ो। पीछे बैठ जाओ। ये लो। लाओ दो। सुपर, तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं। अब नेक्स्ट क्या प्लान है? पता नहीं। ठीक है, मैं अपने भाई को कॉल करती हूँ। ए, पहले फोन अंदर रखो। क्यों? फोन अंदर रखो। पर क्यों? तुम मेरे साथ हो, इतना ही काफी है। ए, ये क्या, घर से भाग के आए हो क्या? चिल्ला मत, चुप रह। अरे यार, तुम एक काम क्यों नहीं करते, होटल में रूम क्यों नहीं ले लेते हो तुम? ये क्या कह रहे हो, पुलिस की रेड पड़ गई तो पेपर में फोटो छप जाएगी, इज्जत चली जाएगी हमारी। अक्कल नहीं है क्या तुझे? हे, इतना रिस्की है तो भागे किस लिए? वैसे हम सब मिलकर इन दोनों की शादी तो करवा ही सकते हैं ना। वैसे आइडिया सुपर। शादी करना उतना आसान नहीं होता भाई, उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है। तेरे बाप सीईओ हैं, इसके बाप कॉलेज में लेक्चरर हैं, और दोनों के दोनों सरदर्द। अगर उन्हें पता चल गया कि शादी हम लोगों ने करवाई है ना, तो सबसे पहले हम ही लोग पकड़े जाएंगे बेटा। लीगल मॉरल सपोर्ट? तुम कहो तो मैं अपने अंकल को बुलाऊं क्या? अंकल पुलिस में है क्या? नहीं, चेन्नई के बड़े क्रिमिनल। गुंडा है? ए, लॉयर है मेरे अंकल, द ग्रेट एडवोकेट सुंदर मूर्ति। हेलो। हेलो अंकल, मैं मधुमिता बोल रही हूँ। ए मधुमिता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं जेल जा रहा हूँ। हाँ, जेल क्यों? अरे जेल जाऊंगा तभी तो बेल मिलेगी ना, अंदर एक क्लाइंट बंद है, यही तो तेरे अंकल का प्रोफेशन है। ये बता, तेरा हस्बैंड कैसा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है ना? डिवोर्स नोटिस भेज देंगे उसे? उसे मैं देख लूंगी, पर एक जरूरी बात करनी थी अंकल। हाँ, क्या है, बोलना। मेरे फ्रेंड्स दोनों घर छोड़ के भाग आए हैं। क्या? तो आप ही कुछ मदद कीजिए। ओ अच्छा, ठीक है, मैं 9:30 के आसपास आऊंगा। ओके। फोन बज रहा है, देखो तो कौन है। ए भगवान, पता नहीं कौन है। हेलो। अरे क्या, आपने कहा था सौम्या आएगी, फ्लाइट मिस हो गई क्या, या वो जानबूझकर नहीं आई? नहीं पहुंची। सीताराम, तुमने ठीक से देखा क्या? हाँ देखा ना, आप झूठ बोल रही हो। झूठ क्यों बोलेंगे, हमने एयरपोर्ट ड्रॉप किया है। नहीं, अरे? वो नहीं आई, इसीलिए मैंने पता लगाया, उसने चेक इन ही नहीं किया है। चेक इन ही नहीं किया? हे भगवान, क्या हुआ, मेरे बच्चे को पहुंची ही नहीं। सुनिए सुनिए, सीताराम का फोन आया था। हा? वो कह रहा था कि सौम्या वहाँ पहुंची ही नहीं। हा? मुझे डर लग रहा है कहीं उसकी फ्लाइट तो मिस नहीं हो गई। मेरा फोन कहाँ है? हाँ, वो रहा। हेलो। हाँ सुनो हुसैन, कल हमारी सौम्या नीदरलैंड को यहाँ से निकली थी, पर वो अभी तक वहाँ पहुंची नहीं। जरा इमिग्रेशन लिस्ट में उसका नाम तो चेक करो। मुझे बहुत डर लग रहा है, थोड़ा जल्दी चेक करके बताओ ना। मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, देख के बताता हूँ। क्या वो लिस्ट चेक कर रहा है, 10 मिनट में बता देगा। देखो उसी का फोन है। हेलो। हेलो, सौम्या चेन्नई फ्लाइट की चेकिंग छोड़ के फ्लाइट मिस कर दी। क्या कहा उसने? मुझे लगा ही था
मुझे लगा ही था कि वो चेन्नई से फ्लाइट को मिस जरूर करेगी। ये सब जानबूझ के प्लान करके किया है उसने। एक काम करो, उसके फ्रेंड को कॉल करके पूछो कि वो माइक कहाँ है, वो जरूर उसी के साथ गई होगी। हे भगवान, सर। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? सर इन दिनों हमारे बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर, प्लीज़ उन बातों को दिल पे बिल्कुल भी मत लेना। एक्चुअली मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ सर। क्यों, क्या हुआ? तुम चिंता मत करो रघुनाथ, सौम्या को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो भी तो मेरी बेटी जैसी है। ठीक है सर। थैंक यू सर। He is Mr. Jayaprakash, पुलिस इंस्पेक्टर, इनको चाय पिलाओ। नमस्ते जी। What can I do for you? कुछ नहीं सर, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। आपका लड़का है ना माइक? What happened to Mike? एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपका लड़का माइक एयरपोर्ट से एक लड़की को भगा के ले गया है। सरीना, श्रुति तुम ऊपर जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। पुलिस अंकल आए हैं, तुम्हें ले जाएंगे, जल्दी से ऊपर जाओ। अच्छा बेटा, माइक कॉलेज में किसी लड़की के पीछे घूमता था ना, उसका नाम क्या है? नाम सौम्या है पापा, क्या हुआ? ठीक है, तुम ऊपर जाओ। ओके पापा। सॉरी सर, वो ऐसी हरकत करेगा कभी सोचा नहीं, नहीं तो मैं उसे रोकता, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। एक्चुअली माइक आपका लड़का है ये मुझे पता नहीं था, ये सब मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ, सॉरी। नहीं सर, गलती हमारी है, क्या करना होगा बताइए। आपको पता है वो दोनों कहाँ होंगे इस वक्त? चाय लीजिए। थैंक यू जी। सर हमारा लड़का, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप हमें क्यों दोगे तो हम उस आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ऐसी कोई जगह है जहां आपका लड़का रोज जाता हो, ऐसा कुछ है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। वो अपने बैंगलोर गेस्ट हाउस गया होगा क्या? यहाँ कोई उसका फ्रेंड है बताया था उसने। अरुण, अरुण। हाँ सर, यही कहीं उसका एक दोस्त अपनी बीवी के साथ रहता है अरुण, और एड्रेस या फोन नंबर है तो मुझे SMS करो। हाँ ठीक है, मैं एक घंटे बाद आपको कांटेक्ट करता हूँ। हाँ। अगर आप लोगों की माइक से बात होती है तो मुझे आप जरूर कांटेक्ट करें। ओके सर। ठीक है जी। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके सर। हाय, कैसी है बेटी? आइए अंकल, आइए। क्या बात है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अंकल। सब यहीं पर मौजूद है। हाँ, मुझे इनके बारे में आपको बताना था इसलिए बुलाया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम वहाँ बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आइए अंकल, यहाँ बैठिए। कैसे हो तुम? ठीक हूँ अंकल। अंकल मैंने बताया था ना, वो लवर्स माइक एंड सौम्या, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जल्दबाजी में इसके पापा इसे हायर स्टडी के लिए फॉरेन भेज रहे थे, तभी इसने इसे एयरपोर्ट से भगा के ले आया। एयरपोर्ट से भगा के लाए हो? देखो बेटी, तुम वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हो, फिर मैं तुम्हारा साथ तो जरूर दूंगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। तो तुम्हारा नाम क्या है? माइकल सर। और तुम्हारे पापा का नाम? जोसेफ सर, ट्रिपल डॉट्स कंपनी के CEO हैं। ओह, IT कंपनी के मालिक। और तुम? जयराम, कॉलेज प्रिंसिपल। तो जयराम की बेटी हो तुम? नहीं नहीं नहीं, कॉलेज कोरेस्पोंडेंट की बेटी हो। हाँ वही तो कह रहा था मैं। तो तुम अपने घर जाओ और तुम अगली फ्लाइट पकड़ के सीधी नेदरलैंड चली जाओ। पहले क्या कम केस है मेरे पास? अंकल सर, अंकल सर। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, दोनों हाथ से पकड़ के खींच रहे हो? ओके सिट डाउन। अबे वकील कुछ तो बोल। तो सुनो, तुमने पता है क्या काम किया है? किडनैपिंग, रेप, सेक्शन 366 नॉन बेलेबल ऑफेंस। सिर्फ 6 महीने तक ही ये प्यार टिका रहेगा, उसके बाद तुम दोनों बदल जाओगे, दोनों अलग हो जाओगे, और उसके बाद ये इनोसेंट लड़की फंस जाएगी। हम स्ट्रांग हैं सर। सच्ची स्ट्रांग हो? जी हाँ सर।
और तुम भी बोलो। मैं भी स्ट्रांग हूँ अंकल। अच्छा तुम भी स्ट्रांग हो, तो फिर शादी करवा दें। हाँ जरूर, आज सुबह 11:30 बजे शादी करवा दो अंकल प्लीज। मधु तुम टाइम फिक्स नहीं कर सकती, इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। हे, तुम क्या करोगे पता है? मेरे असिस्टेंट को लेकर आओगे, ठीक है? और उसके साथ जाके तुम कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट रजिस्टर करो। ओके। और तुम क्या करोगी? मंगलसूत्र फल फूल लेकर आओगी। हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स मेक दिस मैरिज हैपन। ये हेलो। हाँ कहिए सर, कोई इंफॉर्मेशन मिली क्या? सर दो लड़के कमिश्नर ऑफिस गए हैं। ये क्या कह रहे हो सर आप? हम दोनों मेजर हैं, हमारे घर वाले हमारे शादी के खिलाफ हैं, सो हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, ऐसा पुलिस को कंप्लेंट किया है और कमिश्नर ने उस लेटर को रजिस्टर ऑफिस में दे दिया है। सॉरी सर, एवरीथिंग इज लीगल, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। डैड, ये सब क्या हो गया? इस तरह हमारी बदनामी करके तुझे क्या मिला? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? But Dad, you definitely like Soumya, Dad. अपने मुंह से हमें मॉम डैड मत कहो, तुम इस लायक नहीं हो अब। चल। तुमने उस लड़की को पसंद किया गलत नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारा ये फैसला गलत है बेटा। माँ कोई और रास्ता भी तो नहीं था? ठीक है, keep in touch Mike, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, don't worry। अच्छा वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए ना? हाँ सर, दे दिए। All the best Mike। चलो यार। अरे चाबी दे दी ना? हाँ सर। हाँ। अच्छा मधु, तुमने जैसा चाहा वैसा हो गया ना, so you are happy now? Oh really happy, thank you uncle, thank you। वैसे ये लोग हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? सर वैसा कोई प्लान नहीं किया है, इनफैक्ट आने वाले एक हफ्ते में बैंगलोर में फाइनल राउंड इंटरव्यू है, अगर तब तक हो सके तो। कुछ गलत मत समझना सौम्या, मेरे मॉम डैड यहाँ दो हफ्ते के लिए आ रहे हैं, वैसे तुम मेरी मॉम को जानती हो ना? तेरी मॉम के बारे में मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, हम दोनों कहीं और जाकर। रुको, क्यों? एक्चुअली सिंघम 3 की शूटिंग के लिए मैं 10 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तब तक मेरे घर में रह लो। तुम सिर्फ 10 दिनों के लिए ही जा रहे हो ना, क्या पता प्रोडक्शन वाले शूटिंग के दिन और कम कर दें। ओवर एक्टिंग करना बंद करो और ये बताओ कि लोकेशन कहाँ पर है। अरे सर मैं इन लोगों को अपने साथ लेकर के जाऊंगा ना, लोकेशन कहाँ है इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? बाकी मैं कोशिश करूंगा, हो गया तो तुम लोग आराम से रह सकते हो, तू थोड़ा एडजस्ट कर लेगा ना? यार इस टाइम पर तो हेल्प करो। कर दिया तेरा एक जबरदस्त इंतजाम। आओ बहन, ये है मेरे फ्रेंड्स और ये है माइक और ये है सोनिया। हाय। ठीक है बहन, तुम लोग जाओ। यस बहन, आराम से दिन यहीं देखिए यार, एडजस्ट कर लेंगे। इट्स ओके यार, इट्स ओके, बाय बाय। थैंक यू, बाय। चलो बाय, चलो बाय, ख्याल रखना अपना। बाय, ध्यान रखना। पहले तुम नहा लो, उसके बाद उसके बाद मैं नहा लूंगी, उसके बाद।
क्या देख रही हो पर्स में? तुम्हारी बहन का नाम क्या है? सरीना। क्यों? बहुत क्यूट है। क्यूट? और ये तुम्हें खास बात बताऊं, हमारा भांडा फोड़ने वाली यही है। क्या हुआ? आज मैं इतनी दूर आई हूँ इसकी वजह मेरा छोटा भाई है, और मैंने उससे एक बार बात भी नहीं की। जरा अपना फोन देना। क्या बोल रहा है तुम्हारा भाई? ए, क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? अरे क्या हुआ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी माइक। मेरे मॉम डैड को कैसा लग रहा होगा, वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बस कुछ दिनों की बात है, मैं घर पे बात करके सबको कन्विंस कर दूंगा। मैंने सिर्फ तुम पर भरोसा किया है, साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? क्या कर रही हो? अच्छा है ना? पहले चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये ब्रेड, जैम, न्यूडल, ये ब्रेकफास्ट है क्या? तुम्हें पसंद है ना? पसंद है। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खा रहा हूँ। वैसे ही खाओ। ये बताओ, तुम किसके भरोसे मेरे साथ कार में बैठी हो? वो मुझे नहीं पता। एक बच्चे को उसका बाप कौन है ये उसकी माँ ही उसे बताती है, पर माँ कौन है ये उसे कोई नहीं बताता। कुछ चीजें यूं ही मिल जाती हैं। वही हो तुम। भैया भैया। जी सर, फोन। कौन है? हाँ बोलो मणि, क्या बात है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक जरूरी बात बतानी थी, जब आप फ्री हो तो मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ। अभी तो मैं कोची में हूँ, आज रात को चेन्नई लौटूंगा। कोई इमरजेंसी है तो बताओ फोन पे। सर कोलीवाड़ा एरिया में इंस्पेक्टर मिस्टर रघुवरन मिसिंग केस में एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली है सर। इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि वो पशुपति की रिपोर्ट है। पशुपति? देखो मणि, पशुपति हमारा लड़का है, आपके डिपार्टमेंट तक नहीं आएगा वो। बोलो क्या हुआ? देखिए सर, ये इन्फॉर्मेशन बहुत विश्वसनीय सूत्रों से मिली है, वैसे भी सबूत के आधार पे वही दोषी है। अच्छा समझ गया मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ या फिर कल सुबह बात करता हूँ, ठीक है? हाँ ओके जी। ए पशुपति को बोलो आके मिले। ठीक है। सर कल कुछ कहा था आपसे, वही याद दिलाने आया हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। आ जा पशुपति, खाना हो गया? हो गया। आप कब आए? मैं कल रात की फ्लाइट से ही आया। आ जा बैठ। कोई बात नहीं, आप बैठिए ना। बैठना। ये बता, तूने पुलिस वाले को क्यों किडनैप किया? मैं कौन हूँ ये जाने बिना उसने मुझ पे हाथ उठाया है? देख पशुपति, तू ये सब करना बंद कर दे हा? और खुद को बदलने की कोशिश कर, तब तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सर घुमा के क्या खड़ा है? अगले 2 महीने तक तो कुछ भी नहीं करने वाला, सुन रहा है? अब बता, उस रघु का तेरे साथ क्या पंगा है रे? रघु कौन? वो इंस्पेक्टर क्या? हाँ वही। मुझे कुछ नहीं पता।
सच बता क्या किया तूने? बहुत तंग कर रहा था इसलिए उसको। इतनी बार बताया पुलिस से पंगा नहीं लेने का। हजार बार कह चुका हूँ मैं, मेरी वजह से उन्होंने तुझे पकड़ा नहीं अभी तक। भूल गया तू कहाँ से आया और कौन है? भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ ये जरूरी नहीं है, अब क्या हूँ ये जरूरी है। ओ इतना बड़ा हो गया कि अब तो पुलिस को मारेगा? इतनी चर्बी चढ़ गई तुझ में पशुपति? चल रहे बाय डार्लिंग। बस इतना ही? ऑल द बेस्ट। सच में? गो वंस मोर। जाओ ना। क्या गलत काम किए हो जो यहाँ आए हो? कुछ नहीं दीदी। भाई अंदर ही है क्या? आप अंदर जाइए ना, भाई अंदर ही है। ये कालू भी पता नहीं कहाँ चला गया। इतनी देर से कहाँ था भाई? दीदी पूछ रही थी। रास्ते में गाड़ी खराब होगी, क्या करूँ? ठीक है जल्दी जाओ। कितनी तेज बारिश हो रही है, आज के बाद रात में बारिश में नहीं जाऊंगा। अंदर जाओ, ठंड बहुत है। तुम भी भीग गए हो, लाए हो ना? लाया हूँ भाई। तुम क्या कार में आए हो? हाँ भाई। भाई को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है कह रहे थे, ठंडी से भाई बहुत कांप रहे थे। ओ परेशान तो नहीं है ना तू? नहीं मधुमिता, माइक को काम मिला तो एवरीथिंग विल बी फाइन। उधर से कब निकल रही है? कल सुबह। ओके ओके चल ठीक है, अच्छे से पैकिंग करना और आराम से आना, ठीक है? हाँ हाँ। सौम्या तुझे रात को डर तो नहीं लगता है ना? नहीं तो, मैं ऐसे ही फिल्में देखते हुए सो जाती हूँ। चलो ओके बाय। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय। कैसे यहाँ खड़ा है? अरे जाना अंदर जाकर कपड़े तो बदल ले, इस तरह बारिश में बाहर कब तक खड़ा रहेगा? जाना वरना ठंड लग के तबीयत खराब हो जाएगी। कालू तुम्हें क्या हुआ? तुम बात क्यों आ गई? छोड़ो, तुम्हारे भाई के फेस पे इतने मार क्यों हैं? किसी ने बुरी तरह से मारा है क्या? चुप रहना, भाई ने सुन लिया ना तो। वैसे सच हमेशा कड़वा ही लगता है। ए, चुप रहने के लिए बोला ना, बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी, है ना? अभी पता था, बोल क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? इसे उठा के गाड़ी में डाल। दादा, दादा, दादा कहाँ हो तुम? दादा ए, उसको बोल चिल्लाएगा नहीं। जल्दी लेकर आओ यार, ठीक से पकड़ना। ए, इतनी देर लगा दी तुमने? कुछ नहीं भाई, चलिए ना। भाई इसे पानी में डालना है या जमीन में गाड़ना है? हाँ, 5 घंटे के बाद आधी रात के समय इसको दफना देंगे, तब तक के लिए इसे अड्डे पे लेके चल। अच्छा ठीक है भाई। मैं समझा नहीं।
सौम्या? क्या हुआ? एक लड़की को मार डाला माइक। किसने मारा? बोलो तो। अरे बोलो तो सही। वहाँ है, देख, वही है। चलो चलते हैं। सदा, किसका घर है ये? क्या मालूम, लेकिन ऊपर वाले कमरे में एक नया जोड़ा है, नई नई शादी हुई है। क्या कहा? वो भाई ऊपर वाले कमरे में एक नया जोड़ा रहता है। भाई 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 भाई, 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 भाई क्या कर? चलो 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 सौम्या। क्यों भाई, जेम्स बॉन्ड आखिर मिल ही गया ना। hey! जरा इसके तेवर तो देख। हमारे कब्जे में है, फिर भी हमें आंख दिखा रहा है। ए, आज रात उस लाश को ठिकाने लगाना है ना, तब इन्हें भी साथ ले चलना है। ये कभी लाइट पिक्चर बहुत भयानक कॉम्बिनेशन है। 10 मिनट के बाद आओगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लाश को तो छोड़ो, उसका एक छोटा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। मैंने उसी दिन सोच लिया था, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सौम्या को यहाँ से भगाना होगा। मैंने जो गलतियाँ की हैं उनकी सजा सौम्या क्यों भुगतेगी? सौम्या को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह तुम और वो ब्लास्ट। गाड़ी निकाल। आपने उन्हें ऐसे ही क्यों छोड़ दिया भाई? उन्हें मारकर पानी में डाल देना चाहिए था। नहीं, उन लोगों को वहीं जल के मरने दे। बोलिए सर। हाँ सुनो मणि, मेरी तरफ से खोली छूट है, जैसे चाहो वैसे पशुपति का एनकाउंटर कर दो। आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा पालतू कुत्ता था और आज मुझे ही काटना चाह रहा है वो। अब उसे बचाने कोई कुत्ता भी नहीं आना चाहिए, समझे तुम? साफ साफ बोल रहा हूँ, मार डालो उसे, आगे मैं देख लूंगा। थैंक यू सर। हेलो, एडमिन ऑफिसर मिस्टर सत्यनारायण को भेजो। या गुड मॉर्निंग सर। आइए मिस्टर सत्या। हमारे सेल्यूर के मिस्टर जयप्रकाश रिटायर हो रहे हैं ना? यस सर। अभी उनकी सर्विस कितनी बची हुई है? 6 महीने सर। ओके। सर बैठिए मिस्टर जयप्रकाश। थैंक यू सर। जयप्रकाश, आप अभी 6 महीने के बाद रिटायर हो रहे हैं ना? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए बुलाया। कहिए सर। आप पशुपति को जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ सर। पिछले 18 साल से कई खून करके कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, इसलिए बच गया सर। पिछले 2 साल से वो हमारे सर्कल में ही था सर। तो इतने सालों से वो आपके सर्कल में ही था? यस सर। बात यह है जयप्रकाश,
इतने सालों से वो आपके सामने था, फिर भी आप लोग उसे पकड़ नहीं पाए। सॉरी सर, लास्ट टाइम उस पर अटैक करके उसको पकड़ने ही वाले थे, लेकिन हमारे हाथों से बच गया। मुझे कोई कारण नहीं सुनना है जयप्रकाश। सर, उन सब के पीछे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसी थी। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसी के रहते हुए हम क्या कर सकते हैं सर। लेकिन सर, मैं रिटायर होने से पहले ही पशुपति का केस क्लोज कर दूंगा सर, यह आपसे वादा है। थैंक यू सर। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं कुछ ड्राइंग करूँ क्या? क्या ड्राइंग बनाएगी? झरना? हाँ। लो, एक और टीचर मिल गई। ए, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम ट्राई करती रहो, मेरा सर घूम रहा है, चुप रहो। तो माइक को बुलाएं क्या? ए, माइक का है, उसके इंटरव्यू का क्या हुआ? मैं बताना भूल गया यार, कल मैंने उसे कॉल किया था, उसे नौकरी मिल गई है यार। सच कह रहे हो क्या? फिर तो हम लोग उसे कल पक्का बुलाएंगे भाई। अभी वो दूसरे काम में होगा, वैसे किस काम में होगा? मैटर ये है कि कल रात को सौम्या से मिलने के लिए आया था, और सरप्राइज ये है कि उसने कहा था कि मुझे काम मिल गया है, और सौम्या को लेकर हनीमून पर चला गया। लेकिन उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ क्यों किया है? क्योंकि तुम लोग उसे फोन करके माइक कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, हमेशा परेशान करते हो ना, इसलिए स्विच ऑफ किया होगा। अभी पता नहीं वो किस काम में लगा होगा भाई। भाई, चेन्नई से आपके लिए कॉल है। अब क्या हुआ इसकी तो? क्या पशुपति बिजी हो क्या? अरे नहीं भाई, आप बोलिए ना, क्या बात? तेरे आसपास तो कोई नहीं है ना? अब कोई नहीं है भाई, बोलिए ना। थोड़ा होशियार रहे, तेरे एनकाउंटर के लिए उस कमिश्नर ने लीड ले लिया है, और जयप्रकाश ने 10 दिन में तुझे अरेस्ट करने के लिए कहा है, थोड़ा संभल के। ठीक है भाई, मैं संभाल लूंगा। भाई। हाँ बोल पशुपति। मुझे माफ कर दो भाई, कल गुस्से में मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। आप वो सब कुछ भूल के मेरी जान बचाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं भाई अब। हाँ वो सब भूल जा पशुपति, तुझे मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा मैं। होशियार रह, बस इतना ही कहना है, चल रख। सपना देख रहा है। How dare you say I take money, sir? How dare you say I take? यहाँ लेके आ। ए, चल, छोड़ो मुझे। चल उठ, उठ। चुप चुप, चाहेगा तो इसे भी मारेंगे। चुप, हाथ खोलो मेरे। चुप। मुंह से आवाज निकाली तो गला काट दूंगा। गाना बंद कर बे। ए, चुप चाप रह। ये ले, ऑन कर। ठीक है बे। ए, वॉल्यूम बढ़ा दे। सौम्या, सौम्या।
दे चुकर। ए, तू यहीं रुक, थोड़ी देर बाद ऑफ करना मत भूलना, समझा? ठीक है भाई। ए, तू मेरे साथ आ। ए, ए, तू गाड़ी निकाल। क्या बोला भाई? एक बार में सुना कर, गाड़ी निकाल। ठीक है भाई। ए सदा, गाड़ी इंदिरा नगर में रोकना। और तूरे, हाँ भाई, कपड़े पहन ले। जी भाई। बहुत दिनों से भाई रंगनाथ के चाहने वालों की इच्छा थी कि वो यहाँ हम सबके बीच में आए, तो आज वो दिन आ गया है। भाई रामलिंग पिछले 16 दिनों से अनशन पर थे, अच्छे काम करते आए हैं ये भी। भाई रामलिंग के लिए आज रंगनाथ जी यहाँ पे आए हैं और इनका अनशन खत्म कराएंगे। ये मुझे विश्वास है कि ये देश के लिए अच्छा काम करेंगे। प्रकाश भाई आ रहे हैं, हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे। तालियां। नमस्कार, नमस्कार। भैया रामचंद्र की जय। भैया रामचंद्र की जय। भैया रामचंद्र की जय। भाई आज के दिन ये सब क्यों कर रहे हैं? भैया रामचंद्र की, आप भी तो हमारे एरिया के हैं। भैया रामचंद्र की जय। इन दोनों के बीच में जो तुम देख रहे हो ना, इसका ही नाम है पशुपति। सर, कई सालों से इसने कितने लोगों की जान ली है सर? यस, जान तो ली है। अब हम क्या करें सर? वो क्रोम बाजार वैली चेरी OMR के अंदर आया है। अभी वो इंदिरा नगर में ही होगा मेरे हिसाब से। जरूर वो पार्टी में आया होगा, है ना? तो मुझे लगता है वो शहर में अभी घूम ही रहा होगा। सिटी है सर। हम आउटस्कर्ट्स मिनी टाउन में जब ढूंढ रहे थे, सिटी में सेफ रहेंगे सोचकर प्लान किया। जानबूझकर हमने ही उसे अरेस्ट नहीं किया था। हम 5 लोगों में जिसको भी वो दिखाई दे उसे गोली मार दो। क्या पहले से ही चोट लगी थी सदा, इसने उस पर ही मार दिया। तेरी तो मारेगा। ए रुक, जरा उठा इसे। चलो ले चल। फिर से तूने भागने की कोशिश की ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बात बोलकर पशुपति को 2 मिनट भी नहीं हुए थे और उसकी बात से मैं समझ गया था कि वो सौम्या को कुछ नहीं करेगा। कम से कम 2 दिन तक तो सौम्या सुरक्षित रहेगी और उसी बीच मुझे सही टाइम देकर यहाँ से भाग निकलना है।
उठ जा। क्या हुआ? क्या हुआ रे? ए, इसको देख। भाई ने थोड़ी देर के बाद ऑफ करने के लिए कहा था। अरे ये तो बेहोश हो गई है। ठीक है आओ। अच्छा हुआ बैटरी बंद हो गई। जान ले लूंगा तेरी। सिर्फ 24 घंटे में सब खत्म हो जाएगा भाई। क्या? नहीं वो थोड़ी दारू। अबे तेरे पास अकल नहीं है क्या? दारू पी। अरे रे तू बड़ा साधु है। ए, तुझे दारू पीनी है? भाई मैं जाकर ले आऊं। भाई आप जा रहे हो लेने के? साले के अरमान बहुत हैं। सर ये लीजिए टकीला और बियर। फोन ऑन कर। ठीक है सर। वहां पे कुछ प्रॉब्लम है सर। उसने बोतल से किसी का सर फोड़ दिया सर। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करो और उसकी एक कॉपी मुझे दो। यस सर। रुस्तम सिंघम टू वीर माइक। इसकी तो फालतू में चिल्लाती रहती है। एक गाना भी नहीं सुनने देती। देखी हुई है तेरी तो अभी बताता हूँ। क्यों गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर? क्या माइक पे चलाती रहती है? देखना है मैंने उसे मार डाला, खत्म कर दिया उसे। अब जहन्नुम में जाकर रोमांस करना। जहन्नुम में जाके रोमांस करना। थू चाल हाथ। इसे देखिए सर कैसे घूर रहा है। अपना लेवल बता रहा है। भाई भाई ये लो तुम दोनों के लिए बियर। यहाँ रख दो। ये ले भाई। ये दोनों तो डिस्चार्ज हो गए। क्यों रे तुम लोगों ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं क्या? जो देना था दे दिया, उसने खाया नहीं। वो लड़की बहुत चिल्ला रही थी भाई, इसलिए मैंने उससे कहा कि तेरा लवर मर गया है, फिर वो चुप हो गई भाई। ये क्या हुआ? मेरा थोबड़ा क्या देख रहा है? जाओ जाके फास्ट एंड लेके आ जल्दी। ठीक है भाई। देखो भाई। हाँ? भाई ये ले भाई रुई। क्यों अपनी नसों को काट के मरना चाह रही थी तुम? दोबारा ऐसी गलती मत करना। ए, उसे भी सुर में डाल दे वरना ये मर जाएगी। ठीक है भाई। सौम्या
मेरी वाइफ, इसकी वजह मैं हूँ। मैं बीच में नहीं जाती तो आज हम इस प्रॉब्लम में नहीं होते। यहाँ से भाग चलते भाई, मुझे यहाँ नहीं रहना, बहुत डर लग रहा है मुझे, ये हमें मार डालेंगे, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे भाई, मैं नहीं छोड़ूंगी। सौम्या, नहीं, मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, हम मार डालेंगे उन्हें, छोड़ेंगे नहीं उन्हें, छोड़ेंगे नहीं। सर, हाँ। 2 घंटे पहले तिरापुर के बाद सिग्नल लॉक हो गया था, फिर से वही लॉक हुआ है सर। नेटवर्क से देखो कि कहां पर लॉक हुआ है। सर, वो 3 के नायर सिटी के बीच में सिग्नल टावर लॉक हुआ है सर। यस, अब हमें जल्दी निकलना होगा। जॉर्ज, सर वहाँ कोई सेफ जगह है क्या? वहाँ के इंस्पेक्टर नीलकंठ को कॉल करके पूछो, जल्दी करो। ओके सर। सर, इंस्पेक्टर ने जो जगह बताई थी वो यही है। ए, लॉक पर इसे। जॉर्ज, तुम वहाँ देखो, तेरा बॉस कहाँ है? ना? नहीं, कुछ नहीं मिला सर। चल चल चल, मैं तुझे बताता हूँ। ये कार किसकी है? ये गाड़ी हमारी नहीं है सर, ऊपर एक लड़का और लड़की रहते हैं, शायद उन्होंने भागकर शादी की है, ये गाड़ी उन्हीं की है, लेकिन अभी बाहर गए। ऊपर जाके चेक करो। अरुण, और एड्रेस या फोन नंबर है तो मुझे एसएमएस करो। सर, यहाँ भी ताला लगा हुआ है। मुझे पता है, तुम दोनों नीचे आ जाओ। ओके सर। सर बोलिए सर। क्या अरुण, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, बोलिए सर, कुछ काम है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैक के घर आया हुआ था, पर मैक के घर तो ताला लगा है और फोन नॉट रीचेबल है। सर वो बैंगलोर गया हुआ है सर, एक हफ्ते से अपना फोन भी बंद करके रखा है सर, शायद वो हनीमून मना रहा है। अच्छा, हनीमून। ओके ओके ओके। सर कभी टाइम मिले तो लंच या डिनर के लिए घर पर आइए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके बाय, टेक केयर। हाँ हाँ, ले चलो ले चलो। ए, तूने कुछ नहीं किया ना, अब बताऊंगा तुझे। भाई हम कहाँ जा रहे हैं? भाई ए, तुझे याद है या नहीं? याद है भाई। ए, सुन ये भाई, उसे वहीं छोड़ के जा। ठीक है भाई। ए, पशुपति कहाँ है? सच सच बता दे, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी। तेरे गांव में माँ बाप और तेरी बीबी है, ये मुझे अच्छी तरह पता है, अगर तूने सच बताया तो अपने परिवार के साथ रह सकता है। चिंतामणी एक जगह का नाम है, बस इतना ही जानता हूँ मैं। hey, इसे ले जाकर जल्दी से गाड़ी में डालो, अगर तेरी बात झूठ निकली तो वहीं तेरी समाधि बना दूंगा। ले चलो। इसे आगे भेजो और मेरी बात ध्यान से सुनो, वहां पर कोई भी दिखाई दे उसे शूट कर देना। काउंटर वेपन रहे तो बिना सोचे शूट कर देना। मैं ठीक 8 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। ओके सर, यहां पर कोई सस्पेक्ट रहा तो मैं यहीं पर देखता हूं सर। ओके। देख, ये भाई की गाड़ी है क्या? ये भाई की गाड़ी नहीं है,
लगता है वो नहीं आया है। ये पुलिस आ गई। बोलना कहाँ है पशुपति? वो अभी तक आया क्यों नहीं? अगर वो यहाँ नहीं आया तो तेरी समाधि यहीं बना डालूंगा। मुझे तो तुम लोग मार ही डालोगे, लेकिन पशुपति को नहीं पकड़ सकते। वो तुम लोगों के हाथ नहीं आएगा। मुझे पकड़कर बहुत खुश मत हो तुम लोग। तुम लोग मुझे अरेस्ट करोगे, ये प्लान पशुपति ने पहले ही कर रखा था। ए सदा, गाड़ी को इंदिरा नगर की तरफ घुमा। फोन पकड़। जी भाई। जब मैं बोलूंगा तो ऑन कर देना, अभी ऑफ ही रख। फोन ऑन कर। ए, फोन ऑन कर। करता हूँ भाई। थोड़ी देर के बाद वो पुलिस वाले यहीं आने वाले हैं। सर आपने जो कहा वो सही है, उसका नंबर 3 सिग्नल में कनेक्ट हो रहा है सर। ए, कहाँ है वो लड़की? सर सौम्या कहाँ है? सर छोड़िए सर मुझे। पशुपति के घर के पास रहते हो और दोस्तों को बोलते हो कि हनीमून पे जा रहा हूँ। बोल सौम्या कहाँ है? कहाँ है सौम्या? बोल सर। कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए सर। मैं जो कह रहा हूँ जरा सुन तो लीजिए सर। हाँ, पशुपति आ गया सर। थैंक यू सो मच सदा, हैप्पी जर्नी। ए भाग, जल्दी भाग, पीछे से पुलिस आ रही है। जल्दी भाग, भाग मत रुक, ये पुलिस की गाड़ी है। सर 3 लोगों को मैंने शूट कर दिया, सदा भी था उसमें। गुड, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो हम बाकी लोगों को ढूंढते हैं। बताओ सौम्या कहाँ है? सर जब मैं पहले वहां से निकला तो सौम्या को मेरे फ्रेंड के घर अरुण के पास छोड़ा है सर। ठीक है, एक मिनट। हेलो सर। सौम्या तुम्हारे पास है ना? हाँ सर, अभी अभी आई है सर। माइक का फोन आया था मेरे पास, उसने पिकअप करने के लिए कहा था। कुछ हुआ है क्या सर? कुछ बताना मत सर। दो ये लो जेपी सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। माइक कहाँ पे है? माइक अर्जेंट काम में बोलकर ऐसा कहीं गया है सर। क्यों सर, क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं तुमसे घर आके बात करता हूँ, ठीक है? थैंक यू बेटी। तुम अपने घर जाओ, मैं तुमसे घर आके मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेट्स मिस्टर जयप्रकाश, आपने अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाया। थैंक यू सर। मैंने सुना है कि मेरे ऑर्डर देने से पहले ही आपने अपना काम शुरू कर दिया था। हाँ सर, मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। जॉर्ज, विवेक, रस्तोगी, राघव, ये चारों लोग भी साथ में थे सर। पूरी टीम ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है सर। गुड, वेरी गुड सर। इस केस के सारे डिटेल्स मैं आपको मेल कर दूंगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। सर सर अभी कहाँ जा रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरुण, अच्छे से नींद पूरी हो गई ना? और माइक कहाँ है? हाँ यही है सर, रात में यहीं आकर सो गया था। आप बैठिए सर, मैं आपके लिए कुछ चाय कॉफी लेकर आऊँ सर। नहीं कुछ नहीं, उसे बुलाओ। ठीक है सर।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लगता है चोट बहुत लगी है। नहीं ज्यादा नहीं, बस थोड़े से जख्म है। आप कॉफी लेंगे सर? अरे नहीं नहीं, तुम बैठो। कमाल है सर, आप तो सुबह सुबह आ गए। स्मॉल इन्वेस्टिगेशन। हाँ पूछिए ना सर। तुम पशुपति के वहां से भागे कैसे, मुझे साफ साफ बताओ। हमारी टीम ने उन तीनों लोगों को ढूंढ लिया, पर उन तीनों में पशुपति नहीं था। कहाँ है वो? सर आप ये क्या कह रहे हैं? क्या हुआ सर? मुझे पता है कि तुम सब जानते हो। नहीं सर आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। hey, मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ और तुम मुझसे ऐसा बिहेव कर रहे हो, तुम बताओगे नहीं? सच सच बताओ, जो कुछ भी हो मुझे साफ साफ बता दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, विश्वास करो। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, तुम सोमिया के पति हो और मैं जानता हूं तुमने कुछ गलत नहीं किया है। आइए ना सर, थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, आइए वहीं पर बात करेंगे। ए, उन दोनों को गाड़ी में डालो। ए, सदा, बिना जाने पहचाने मुझे मारा था। मैं चाहता तो इसे छोड़ देता, लेकिन अगर आज छोड़ दूंगा तो ये कल मुझे ही मार डालेगा। चाबी दे रहे। ये लो भाई चाबी। याद है ना, ठीक 4 बजे मैं आऊंगा। ठीक है भाई। उसके पहले गलती से भी मुंह मत खोलना, ठीक है? ये ले। अब क्या करें भाई? तुम सिर्फ उसके पास जाओगे, फिर पानी लाओगे, उसके बाद तुम शेखर के गांव वाले घर जाओगे, ठीक 3 बजे। कुछ भी करके तुम्हें वहां पहुंचना है। और तू सुन रहे? हाँ भाई। सदा से बोल दे कुछ भी करके। ठीक है भाई। वो अपने आप को पुलिस के सामने जाके सरेंडर कर देगा, फिर वहां जो होता है उसकी पूरी जानकारी मुझे देना। अगला प्लान क्या है भाई? ठीक 4 बजे सारे पुलिस वाले यहाँ आएंगे। उससे पहले सुब्बू और बाकी सभी लोगों से मिलके हम 4 लोगों के पासपोर्ट ले लेंगे, फिर अपनी कार फॉर्म पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग तयशुदा जगह पे पहुंच जाएंगे। सदा और पुलिस जैसे ही वहाँ इंटर करेंगे, तुम इंस्टीट्यूट के ऊपर आना और मेरी कार देखते ही रेडी हो जाना। हाँ, और अगर मेरी कार नहीं हुई तो समझ लेना कि मैं वहाँ नहीं हूँ। ध्यान देना कोई गलती ना हो। ठीक है भाई। नहीं तो परिणाम तुम लोगों को पता ही होगा। ठीक है भाई। सदा और पुलिस के आते ही सदा पुलिस को मेरी कार देख के डाइवर्ट करेगा। हाँ भाई। फिर पुलिस वाले तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ। सदा पुलिस को प्लान बताएगा। ये प्लान है, वहां से जाके हम लोग कोची जाएंगे और वहां अंडरग्राउंड हो जाएंगे और फिर हम दुबई निकल जाएंगे। सुपर प्लान है भाई। भाई उन दोनों का क्या करें? तू उन्हें ऐसे ही पकड़ जैसे पुलिस वाले पकड़ते हैं, बाकी मैं देख लूंगा। पानी ला। लाता हूं भाई। ए सुन। हाँ बोलिए भाई। कोड़म के बाजू वाले शेखर के घर में मिल। ठीक है। चार, एक काम कर, 6 लेके आ। ओके। और एक सिंगल बिरयानी पैक करवा लेना होटल कंचीपुरी से। ओके। उसे प्लान पता है। हाँ। हर एक बिरयानी में एक एक गन होगी, होशियार रहना। ठीक है भाई। अरे सुन। हाँ भाई। उसे वहीं छोड़ दे। ठीक है भाई। क्या रे सुबू, रेडी है ना? ये लो पशुपति, तुम 4 लोगों का पासपोर्ट है ये। ठीक है, मैं देख लूंगा, तू जा। पशुपति, वो पिछला मैटर जो था वो। ए, उसके बारे में भी बात नहीं करना है, जब लौट के आऊंगा तो बात करूंगा। ओके भाई, टेक केयर।
सुबह से रास्ते में मिलके मैंने 4 लोगों के पासपोर्ट ले लिए। अब सिर्फ अपनी कार को उस जगह पे ले जाके पार्क कर देना है। सब कुछ ठीक से करना। तो पशुपति को मार डाला? और कोई रास्ता नहीं था सर। वो लोग पुलिस को मारेंगे, मिनिस्टर को मारेंगे, ऐसा हाई लेवल का प्लान बना रहे थे सर। अगर उस वक्त मैं उन्हें नहीं मारता तो मैं और सौम्या सुकून से कभी नहीं रह पाते सर। बॉडी का क्या किया तुमने? चाय पी के बात करेंगे। क्या कहा था तूने कि इसमें डालकर मुझे मार डालेगा? इसमें तू और वो दोनों भुस लास्ट।